एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आज मैं आपको इस वीडियो में एक चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि है फन एंड प्ले। इस चैप्टर को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। सिर्फ अगर या तो हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा या कोई कुछ भी ले लो, वो कंटिन्यूसली वर्क करता जाएगा, वो नहीं खेलेगा, तो वो जो है चाइल्ड को डल और इनएक्टिव बना देगा। गेम्स खेलना जो है वो हमको फ्रेश और एक्टिव बनाता है। प्लेइंग जो है वो हमारे माइंड को ही रिलैक्स नहीं करती है, साथ ही साथ हमारे लिए गुड एक्सरसाइज है हमारी बॉडी के लिए। वो जो है हमको एनर्जी देती है ताकि हम दोबारा काम कर सकें। और वो जो है हमारी कंसंट्रेशन पावर जो होती है, कंसंट्रेशन पावर यानी कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसी पे सिर्फ हमारा ध्यान हो, हमारा दिमाग उधर उधर ना भटके, कंसंट्रेशन पावर को भी जो है इंक्रीज करती है। और हमारे साथ ही साथ हमें एंजॉयमेंट सब मतलब जॉय सा फील कराती है। अब हम पढ़ेंगे रिक्रिएशन के बारे में। किसके बारे में? रिक्रिएशन के बारे में। जब हम थक जाते हैं और हमारा जो है ब्रेक लेने का मन करता है, जैसे कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें एकदम रिफ्रेश कर दे, वो क्या कहलाता है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं बुक्स रीड करना पसंद करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और कुछ जो है टीवी देखना पसंद करते हैं, कुछ गेम्स खेलना पसंद करते हैं, कुछ शॉपिंग पर जाना और कुछ बाहर पिकनिक जाना, ठीक है। When you do something that gives you pleasure, it is called recreation. आप कोई ऐसी चीज करते हो जो कि आपको रिफ्रेश या फिर आनंदित टाइप में, जो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिक्रिएशन। अब हम पढ़ेंगे हॉबी के बारे में। हॉबी जो है वो एक पर्सन, हॉबी वो होती है जो एक व्यक्ति अपने फ्री टाइम में करता है। वो इट इज नॉट फॉर अर्निंग मनी, वो पैसे कमाने के लिए नहीं होती। और वो जो है वो हमको ना अपने आप के साथ जो है और बहुत ज्यादा टाइम बिताने को देती है। जैसे कि स्टैम्प कलेक्शन हो गया, डायरी राइटिंग हो गया, या फिर पेंटिंग स्केचिंग हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबी है, ठीक है। कहते ना माई हॉबी इज टू डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लेइंग गेम्स। चिल्ड्रन जो है काफी टाइप के गेम खेलते हैं। गेम जो है दो टाइप के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। वो जो जो हम कभी कभी स्कूल में खेलते हैं, है ना, कभी कभी हम स्कूल में खेलते हैं जब गेम पीरियड होता है, और कभी कभी हम शाम को पार्क्स में जाके भी खेलते हैं। गेम जो है वो बच्चों को जो है फिट और स्ट्रांग रखता है, और वो खेलने में भी काफी मजा आता है। हर गेम के जो है उसके खुद के रूल्स होते हैं, हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स जो है हमें जो खेल हम खेल रहे हैं उसे खेलने में आसान कर देता है। अगर हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो हम ये भी सीख सकते हैं कि कैसे जीते और हम हारते कैसे हैं। कभी कभी बच्चा रोने बैठ जाता है ना, ओ हम तो हार गए, तो हम क्यों हारते हैं, कौन सी मिस्टेक की वजह से हारते हैं, ये भी बताता है। ये रूल्स फॉलो करने जो है नेसेसरी होते हैं, ये हमको डिसिप्लिन भी बनाते हैं। जब चिल्ड्रन जो है पार्क में खेलते हैं तो अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि बैट हो गया, बॉल हो गया, रैकेट हो गया, इनको शेयर करते हैं। तो ये हमको इस तरह से हमें ये क्या हमें नॉलेज देता है कि हमें अपने सामान कैसे शेयर करने चाहिए और इन रूल्स को कैसे फॉलो करना चाहिए। कभी आपने कोई गेम खेला है जिसके रूल्स नहीं हो? क्या तुम बता सकते हो कि रूल्स जो है वो क्यों जरूरी होते हैं गेम खेलने के लिए? हम पढ़ेंगे अदर गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले, दूसरे गेम जो बच्चे खेलते हैं। ये यहाँ पर सब अदर गेम्स है जो कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि लंगड़ी टांग, मार्बल्स, हाइड एंड सीक, हॉप स्कॉच, दैट इज कॉल्ड स्टापू ऑल्सो, सेवन टाइल्स, स्पिनिंग अ टॉप एंड गिली डंडा। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो जो है शांत रहना पसंद करते हैं, बुक्स रीड करना पसंद करते हैं। बुक्स जो है वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक की स्टोरी बुक जो है वो कॉमिक्स की जो है स्टोरी बुक्स या फिर मैगजीन्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं। रीडिंग जो है अच्छी हैबिट होती है, ये हमको बहुत नॉलेजेबल बनाती है। और ये जो है इसमें कुछ और एक्टिविटीज भी नीचे दी गई हैं जो कि सबको पसंद होती है, जैसे कि फन एट सर्कस, सर्कस में फन करना, टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, इंडोर गेम्स खेलना, रीडिंग करना, स्विमिंग करना, पेंटिंग कलेक्शन, स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, गार्डनिंग, निटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी एंड सॉल्विंग पजल्स आर सम हॉबीज दैट पीपल लाइक टू डू इन देयर फ्री टाइम। ये कुछ ऐसी हॉबीज है जो पीपल जो है अपने फ्री टाइम में भी खेलना पसंद करते हैं। तो गाइज, यही था हमारा छोटा सा चैप्टर फन एंड प्ले। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।